खुशामदीद दोस्तों, आई एम योर्स नरेटर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग नॉवल तरबते दिल अस्कलम मन्नत शाह। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट इट। तरबते दिल अस्कलम मन्नत शाह एपिसोड 1। चलो, जकी ने गाड़ी में बैठते कहा था। कहाँ चलना है सर? टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर पीछे देखा था। सामने जो ब्लैक गाड़ी है उसका पीछा करो, हरी अप, उसने जेब में गन निकालते कहा था। ड्राइवर के रंग उड़े थे गन देखकर। गाड़ी जल्द और तेज़ रफ्तारी में चलाना, वो गाड़ी किसी भी तरह हाथ से निकलने नहीं चाहिए, वरना तुम्हारा भेजा उड़ाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उसने ड्राइवर की कनपट्टी पर गन रखते हुए उसका ट्रिगर पर हाथ से दबाव बढ़ाते कहा था। टैक्सी ड्राइवर के पसीने छूटे थे, हल खुश हो गया था, मगर उस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हक की पैरवी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सांस उसकी उंगली के नीचे मौजूद ट्रिगर पर थी। सुने, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, ब्लैक गाड़ी में मौजूद औरत ने अपने शोहर से कहा था बार बार पीछे देखते हुए। घबराओ नहीं, उसमें कभी भी इसके अजाइम में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जानता था कि वो हमारा पीछा करेगा, इसकी लालची खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं, उसने गाड़ी की स्पीड को मजीद बढ़ाते हुए कहा था। बापा जोकर औरत की गोद में बैठी 4 साल बच्ची ने कहा था, जिसकी बड़ी बड़ी हेजल आइज में चमक आई थी, भूरे बाल में मकी दो पोनियाँ हंसने से हिल रही थी, सफ़ेद फ्रॉक पहने वो अपने सामने मौजूद जोकर को देख कर पुरजोश हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने जोकर आया था, अपने मखसूस लिबास में सर पर कैप पहने, नाक पर गोल मोटा सा बड़ा सा लाल मोती सजाए, हाथ पर सफ़ेद दस्ताने चढ़ाए, उसके हाथ में एक शीशे का लाइनिंग वाला म्यूज़िक बॉक्स था, जिसमें से ऐसी धुन निकल रही थी जो पल भर में मैसमराइज करने की सलाहियत रखती थी, और छोटी छोटी तितलियाँ इर्द गिर्द जगमगा रही थी। ये इसी का साथी है, प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है, औरत ने अपने शोहर की तरफ देखते कहा था और अपनी बेटी की आंख पर हाथ रखा था जो गाड़ी रोक चुका था। मामा आई वांट टू सी, उसने अपने हाथ में मौजूद पजल बॉक्स गाड़ी की सतह पर गुस्से से फेंकते अपनी माँ का हाथ अपनी आँखों से हटाया था। ओ मैक्यूरेट, पहली गाड़ी में मौजूद सकी जो जोकर को देखकर हंसा था। गाड़ी रोको, टैक्सी ड्राइवर से कहा था, वो गन लिए जोकर को विक्ट्री का निशाना दिखाते उसकी गाड़ी के पास पहुंचा था। तुम्हें क्या लगा तुम और तुम्हारा दोस्त वो फॉर्मूला छुपा लेंगे मुझसे, उसने चिल्लाते हुए कहा था और बंद गाड़ी के चारों शीशों पर फायर किए थे। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को छुपाने नीचे हुए थे। उस आदमी ने उस बच्ची के गिरे हुए पजल बॉक्स को उठाया था, गाड़ी की चाबी निकाल कर स्क्रीन पर से कुछ लिखा था और सीधा हुआ था, ऐसा उसने चंद सेकंड में किया था। खोलो दरवाज़ा, उसने गन से शीशे पर हिट करते कहा था, फिर उसकी बीवी के सीने का निशाना लेते हुए उसके दिल के मुकाम पर फायर किया था और वो उसी पर बेजान हुई थी। नन्ही गुड़िया अब खौफजदा हुई थी, कभी सामने चलते शीशे की लाइनिंग बॉक्स में से निकलती रोशनी को और कभी म्यूज़िक की धुनों को सुनती और कभी अपनी माँ के सीने से निकलते खून को देखती। बेबी गो एंड रन, पीछे मुड़कर नहीं देखना, गो फास्ट, उसके बाप ने उसका हाथ में पजल बॉक्स पकड़ाते उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते उसके माथे पर भूसा देते कहा था। बाबा मम्मा बाबा, बेटी बच्ची ने पजल बॉक्स पकड़ते कहा था। बेटा बाबा, फाइट करके आते, रन माय चाइल्ड रन, इंसानों से दूर भागना है, तुम्हें कोई भी इंसान बुलाए पीछे नहीं मुड़ना, जाओ। बाबा ने आखिरी तंबी की थी, वो दरवाज़ा खोलती पजल बॉक्स हाथ में लिए पीछे की तरफ भागने लगी थी। अंधेरी रात सुनसान सड़क पर मेक रन, पकड़ो इस बच्ची को, वो गन वाला शख्स जोकर पर चिल्लाया था। उसके पास कुछ नहीं है, उसे जाने दो, उसके बाप ने गाड़ी से निकलते कहा था। मुझे बताओ वो महलूल तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कहाँ रखा है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारी बच्ची को, जकी ने उसकी टांग पर फायर करते कहा था। मेरी बोटी बोटी भी नोच लोगे तब भी नहीं बताऊंगा, वो हम दोनों दोस्तों की मेहनत है, तुम हड़प नहीं सकते उसको जकी, उसने टांग पर हाथ रखते कहा था जहाँ फायर लगा था और खून बह रहा था। ठीक है देन अलविदा, उस फॉर्मूले को मैं दुनिया के सामने कभी नहीं लाने दूंगा, तुम दोनों को
अब ऊपर जाकर लोगों की भलाई और अपने नाम की शोहरत के लिए कुछ करना क्यों, क्योंकि जकी को अपने से आगे किसी को भी देखने का शौक नहीं है। उसके मुंह में गन घुसाते उसने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था और फिर उसके हल्क में फायर किया था। गोली हलक को चीरती, जिस्म में फड़फड़ाती, उसकी सांसें साकत कर चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा वो सब मंजर देख कर बेजान हुआ था। दूर से पुलिस मोबाइल को हॉर्न की आवाज़ आई थी। वो पलटा, उसी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठा, जितना जल्दी हो सकता है भागो गाड़ी वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, उसने टैक्सी ड्राइवर को पीछे से धमकी दी थी। और वो बेचारा अपने हल्क तर करता पुलिस मोबाइल के आने से पहले जकी को गाड़ी से भगा ले गया था। मेक इस नन्ही बच्ची के पीछे भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए कि पुलिस मोबाइल की आवाज़ पर सड़क के दूसरे किनारे लगे दरख्तों की ओट में छिपा था। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? उस बच्ची को भागता देखकर पुलिस रुकी थी और उसमें से एक इंस्पेक्टर ने उतर कर पूछा था, मामा को फायर किया गया बैड अंकल ने। वो खौफ से कांप रही थी और पसीने से शराबोर थी, बस हाथ की उंगली के इशारे से आगे की तरफ इशारा कर रही थी, फिर उसी सिमत दौड़ने लगी थी। वो इंस्पेक्टर भी उसके पीछे दौड़ने लगा था। मेक ने निकल कर देखा था वो अब पुलिस वालों के साथ थी, उसके लिए उसको पकड़ना बेकार था। वो उल्टे कदम वापस लेता वहाँ से चल दिया था। वो पुलिस को गाड़ी के पास लेकर गई थी मगर अपनी माँ के साथ साथ अपने बाप को भी मरा हुआ देखकर वो बेहोश हो चुकी थी और वहीं गिरी थी, जबकि पजल बॉक्स पर उसकी गिरफ्त बेहोशी में भी मजबूत थी। जल्दी चलाओ और याद रखना तुमने कुछ भी नहीं देखा, अपनी जेब में से पैसों की गड्डी निकालकर टैक्सी ड्राइवर की झोली में फेंकते, धमकी देते और उसे डराने वाले अंदाज में कहा था। उस लम्हे उसका मोबाइल रिंग किया था। हाँ जहीर, बोलो। जकी ने कॉल रिसीव करते कहा था, सर वो कुछ नहीं बता रहे थे, दोनों मियाँ बीवी हाथापाई हुई और मुझे मजबूरा उन दोनों को मारना पड़ा। जहीर ने इतला दी, इनके सामान और दोनों के घरों की तलाशी लो, कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा। जकी ने कनपटी मसलते कहा था, सर दोनों के घरों की तलाशी ले चुके हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है वहाँ। जहीर ने कांधा उचकाते हुए नन्ही नफी में इस्तग़फ़ार किया करते कहा था, तो ये किस्सा यहीं ख़त्म, मैं तुम्हें और मेक को नहीं जानता। अब मेरा मकसद इस महलूल को दुनिया के सामने ना लाना था, क्योंकि अगर वो महलूल दुनिया के सामने आता तो फिर उन दोनों का नाम होता और मैं बहुत पीछे रह जाता। खैर तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, दो टुक लहजे में कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। सीन चेंज। चल अरसन तैयार हो जा जल्दी से, इहाब ने उसके साथ बैठते कहा था। कोई भी फजूल बकवास की ना इहाब, तो कसम से जान से मार दूंगा। अरसन ने आंखें निकालते हाथ का पंच बनाकर दिखाते कहा था, ठीक है मामा, मैं भी नहीं जा रहा वहाँ, किसकी शक्ल देखूंगा, मुझे भी कंपनी चाहिए। इहाब ने दूसरे सोफे पर बैठी अपनी माँ की तरफ देखते कहा था, फूफो मुझे फोत होने का कह दे, खुशी खुशी हो जाऊँगा, मगर अगर अब आपने ये कहा कि इहाब के साथ इन खान्स की पार्टी पर चले जाओ तो मुझे कसम है शेख रशीद की छत से कूद कर जान दे दूंगा। अरसम ने सवेरा बेगम का हाथ अपने हाथ में लेते शुरू में मिन्नत करते और फिर मसनूई आंसू चेहरे पर सजाने की एक्टिंग करते कहा था, तो वाह करो अरसन, मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो मैं तुम लोगों से ये नहीं कहती कि इहाब अरसन बिजनेस संभाल लो, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद चली जाती, मुझे पता है मैंने किस तरह तुम चारों को पाला है, भाई भाभी के जाने का दुख, फिर इहाब के पापा की मौत, ये बिजनेस, फिर फूफो हम चले जाएंगे, ईजी। अरसम और इहाब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते सर्द आह भरते कहा था। जानते थे सवेरा बेगम का हर बार का दोहराया हुआ लेक्चर शुरू होने वाला है, तब ही टोक दिया था और कोई रास्ता भी नहीं था, जाना तो हर हाल में था। कहाँ है ये फाहा की बच्ची, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं मामा। इशाल ऊपर से सीढ़ियाँ फलांगती आई थी, हाथ में एक सफ़ेद कुर्ता था, गुस्से से मुँह लाल हो रहा था। फूफो प्लीज़ इस बार बचा लें, पक्का नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी,
फाहा ने सवेरा बेगम के पीछे छिपते हुए कहा था। हट जाए पीछे मामा, आज इसका कत्ल ही मैं कर दूंगी और फिर उसके फरिश्ते इसके कातिल की जासूसी करेंगे। पता नहीं कौन सा कीड़ा है इसके अंदर जो इसको सुकून से रहने नहीं देता, उसने फाहा तक पहुंचते कहा था। इहा बचा लो यार, पक्का फ्राइज बना कर दूंगी अपने हाथों से। फाहा अब इहाब के पीछे छिप रही थी। कोई गुनाह थोड़ी किया है, छोटी सी गलती ही तो हुई है। वो इहाब के पास फाहा को पहुंचते देख चुकी थी, तभी सोफे की पुष्ट फैलांगती अरसम के पीछे पहुंची थी। हुआ क्या है, क्या किया है इस सिपाले जासूस ने? अरसम ने उसे इशाल से छिपाते कहा था। ये फुप्पो क्या नहीं किया, इतनी मुश्किल से ये कुर्ता डिज़ाइन करवाया था मुझे, आज पहन कर जाना था और इसने देखो क्या कर दिया। ये सारे नंबर्स, ये एड्रेस और ये नाम, मेरा कुर्ता ही मिला था इसको लिखने को। मैं बता रही हूँ अरसम, खुदा का वास्ता है इसका दिमागी तोज़ान दुरुस्त करवाओ, उसने गुस्से से फलांगते कहा था, गुस्से से चलाते कहा था और फिर सोफे पर बैठी थी। आंखें पानी से भरी थी। इहाब, अरसम और सवेरा बेगम भी सोफे पर बैठ गए थे क्योंकि अगला सीन भी वो जानते थे। आई एम सॉरी ऐशी, एक्चुअली इस वक्त कोई पेपर नहीं मिल रहा था और वो सब नंबर्स और एड्रेस ज़रूरी थे नोट करने, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने इस कुर्ते पर लिख लिए, सॉरी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आई थी, फिर उसके कदमों के पास बैठकर कानों को पकड़ते बोली थी। उसने उसकी तरफ नहीं देखा था। सॉरी ऐशी, प्लीज़ मत नाराज़ हो, उसका हाथ पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा था और आंखों में आंसू ले आई थी। मैं नहीं नाराज़ फाहा, तुम रो रही हो, मैंने इतना कब डांटा, प्लीज़ मत रो। फाहा के हाथ को पकड़ते उसे सोफे पर बिठाते गले से लगाते कहा था। फाहा ने उसके गले लग के सवेरा इहाब और सवेरा बेगम को आंख मारी थी, मतलब उसका ड्रामा काम कर गया था। इशाल का गुस्सा सेकंड में उड़नछू हुआ था, देख ही नहीं सकती थी वो फाहा की आंखों में आंसू, बचपन से तो साथ थे। चलो जी, अब इशाल तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो ये कुर्ता मुझे दे दो, बाकी का पिन पॉइंट्स लिखने के काम आएगा। उसके हाथ से कुर्ता खींचते ऊपर की तरफ भागी थी। फाहा की बच्ची, अल्लाह तुम्हें अकल दे, वो भी हंसते हुए उसके पीछे ही गई थी। ये CR हाउस था, चौधरी पैलेस रंधावा हाउस, जहां 5 मकीन और नौकरों की फौज रहती थी। अरसम सुल्तान चौधरी और फाहा सुल्तान चौधरी, अरसम 5 साल का और फाहा 2.5 साल की थी जब उनके वालिदैन का कत्ल हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मिस्ट्री आज तक किसी से ना सुलझ सकी। इहाब रंधावा और इशाल रंधावा सवेरा बाबर रंधावा के बच्चे। बाबर साहब का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ जब इहाब 4.5 साल और इशाल 3 साल की थी, और ये वाक्या उसके भाई भाभी की वफात के 3 माह बाद ही पेश आया। चूँकि बाबर रंधावा इकलौती औलाद थी और माँ बाप भी वफात पा चुके थे, तो सवेरा रंधावा अपने बच्चों समेत चौधरी हाउस शिफ्ट हो गई थी। फिर अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों की भी परवरिश की और बिजनेस संभाला। आज वो सब ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, खुशियों और मुस्कुराहटों से। इस भरपूर फैमिली के चेहरे पर खुशियां लाने उनकी खुलखिलाहटें सुनने के लिए सवेरा रंधावा ने दिन रात एक किया था। मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, अरसन ने साफ लहजे में कहा था। तैयार हो जा, तेरी शक्ल देखकर वहाँ लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इहाब ने होंक लगाई थी और अपने कमरे में गुम हुआ था। काश भैया, भाभी, बाबर आप जिंदा होते, अपने आंगन के फूलों की मुस्कुराहटों को यूं चमकते देखते, हंसते लड़ते बोलते देखते, तो आपका भी सेरो खून बढ़ता, जैसा मैं जीती हूँ उनके चेहरे देखकर। सवेरा बेगम ने अपनी आँखों में आई नमी को साफ करते कहा था। सीन चेंज। देखो,
रोहेल, मैं ये बात तुम्हें घर पर बुलाकर भी कर सकता था, मगर चूंकि तुम बेटी के बाप हो इसलिए तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें पूछना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। रोहेल के सामने बैठे उनके बुज़ुर्ग मामू ने कहा था, जी जी मामू, मैं समझ सकता हूँ, मगर सच्ची पूछें तो मैं अब भी यही कहूँगा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही क्या थी। अब ये रिश्ता वहीं कर देते, मुझसे ज़्यादा मेरी औलाद पर आपका हक है। आप दादा हैं मेरे बच्चों के, और वैसे भी मंतहा के लिए किए गए फैसले पर मैं आप पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, और मंतहा के लिए उससे इससे नड़ कर सादत की क्या होगी कि वो अपने ताया के घर जा रही है। रोहेल साहब ने खुश होते सादत मंदी से कहा था, कमरे में इस वक्त मंतहा की ताई, उसके दादा, उसका बाप और उसकी माँ बैठे उसकी तकदीर का फैसला कर रहे थे। आप एक बार मंतहा से तो पूछ ले वो क्या चाहती है, वो पढ़ी लिखी है, आज ही उसने FSC का इम्तिहान पास किया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। मैं उसके आगे बहुत सारे ख्वाब हैं, और हसैन वो तो अनपढ़ है, एक पढ़ी लिखी लड़की का एक इन पढ़ लड़के के साथ जोड़ नहीं बनता, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मंतहा की माँ ने रोहेल साहब को घूरियों की घूरियों के बावजूद बेटी के हक में बोलना अपना फ़र्ज समझा था। माँ थी उनका, उसका मुस्तकबिल कैसे बिगड़ते देख सकती थी। माफ़ करना बीबी, मेरा बेटा बेशक पढ़ा लिखा नहीं मगर पढ़े लिखों से ज़्यादा कमाता है, इतना कमाता है जितना डिग्रियों वाले भी नहीं कमाते, रुखसाना ताई ने माथे पर त्योरी को चढ़ाते हुए कहा था। ठीक है रुखसाना, मेरे ख्याल में सीमा का भी अपनी बेटी के हक में बोलना नाजायज़ नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम रोहेल को भी को भेज देते हैं और वो बच्ची की राय लेकर आ जाता है। अभी फिर जैसे मंतहा कहेगी वैसा ही होगा, जाओ रोहेल, मंतहा से पूछाओ, उन्होंने रोहेल साहब को नर्म लहजे में कहा था। मुझे वहाँ जाने की पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँगा मेरी बेटी वैसा ही करेगी। मैं मंतहा को आप सबके सामने बुलाकर पूछ लेता हूँ, मुझे फ़ख्र है अपनी तरबियत पर। जाओ सीमा, जाकर मंतहा को बुला कर लाओ, रोहेल साहब ने बड़े फ़ख्र से कहा था, और फिर सीमा बेगम को हुक्म दिया था, मंतहा चलो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, दादा और ताई आए हैं, और देखो अगर वो रिश्ते का कहें तो साफ इनकार कर देना, कहना मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है। वो जो किताबों में सर दिए बैठी थी माँ को माँ के बाजू पकड़कर उठाने पर उठी थी। कौन सा रिश्ता मम्मा, क्या कह रही हैं, वो चौंकते हुए पूछने लगी थी। तुम्हारे तायाजात हसैन का रिश्ता, तुमने साफ इनकार करना है, सुन रही हो। उसके सर पर दुपट्टा देते उसको अपने हाथ अपने साथ लेकर चलते कहा था, और वो माँ की बात सुनकर शोक के आलम में चलती हुई उस कमरे तक पहुँची थी जहाँ उसकी किस्मत का फैसला हो रहा था। अस्सलामु अलैकुम, आगे बढ़कर उसने दादा और ताई से प्यार लिया था। आओ मंतहा, यहाँ आओ अपने बाबा के पास, रोहेल साहब ने प्यार से पुकारते पास बैठाया था, और वो बैठ गई थी। बेटा बाबा की जान, तुम्हारे दादा रिश्ता लाए हैं तुम्हारा हुसैन के लिए। मैं तो तुम्हारे दादा को हाँ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी भी मेरे फैसले से इख्तलाफात नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तरबियत की है तुम्हारी, तुम्हारे दादा की बहुत एहसान है हम पर। बेटा जब मैं 2 साल का था और मेरी माँ यतीम हुई थी तो मेरे मामू यानी तुम्हारे दादा हमें अपने साथ ले आए थे। फिर उन्होंने अपनी बेवा बहन और मुझे और तुम्हारे ताया का हर तरह से ख्याल रखा, हमें पढ़ाया लिखाया और हमारी शादियां की, मगर मेरी माँ की वफ़ात के 17 दिन बाद तुम्हारे ताया की वफ़ात और फिर हुसैन और आज़म की दोबारा से जिम्मेदारी तुम्हारे दादा ने उठाई थी। बेटा मैं किस किस का किस किस एहसान को इनके याद रखूँ। अलगर्ज ये मसीहा थे हमारे, और अब इनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे आपस में मिल जाएं, और इसीलिए वह हुसैन का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए। बेटा मेरे ख्याल में इसमें पढ़े लिखे ना होने के अलावा कोई भी खामी नहीं है, और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई और क्या होगी कि तुम अपने ताया के घर जाओगी। रोहेल साहब ने उसके सर पर हाथ रखे हर बात कही थी, और बोलते हुए
उनकी आवाज़ भरा गई थी। मंतहा ने नज़र भरकर बाप को देखा था, जिसकी इज्जत इस वक्त उसके हाथ में थी। सामने बैठी और माँ को देखा था, जिसकी आंखों में तन्वी थी इनकार की। जितना मर्जी पढ़ लो, तुम्हारी अकड़ और कसबल जल्दी निकालूंगा, ऐसा दाग लगाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी पर के पछताओगी कि पछताती फिरोगी। हसैन के कहे जुमले मंतहा के कानों में गूंजे थे। कहो बेटा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने दिल की सुनो, बगैर किसी स्ट्रेस के, दादा ने सफीक आवाज़ में कहा था। बोलो मंतहा, बाबा साथ हैं आपके बेटा। बाबा ने बाजू के हाले में लेते सीने से लगाते कहा था, दादा जो बाबा का फैसला है वही मेरा फैसला है। कहते हुए ना उसके दिल ने उसका साथ दिया था, ना उसकी धड़कनों ने। सामने बैठी ताई की आँख खुशी से चमकी थी, माँ की आँखों में आंसू भरे थे। बेटी की आँखों में नमी देखकर बाप का सर फख्र से मज़ीद ऊंचा हुआ था। ताई ने मुंह में मिठाई डाली थी उसके। आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि कभी कभी मीठा जहर से भी बदतर होता है। सब खुश थे, मगर जिसकी किस्मत मिनटों में बदली थी, उसका दिल किरचियों में धड़क रहा था। उसके ख्वाब, उसकी ज़िंदगी, तरबियत, इज्जत के वक़ार की भेंट चढ़ गए थे। आंसू उसकी आंखों से भल भल बह रहे थे। मंतहा मंतहा, जोईशा की कॉल आ रही है, सुन लो। सीमा बेगम ने बाहर से ही आवाज़ लगाई थी। वो ख्यालों की दुनिया में उनसे वापस आई थी। बहते आंसू को आंखों से पूछा था, इस फैसले को 2 साल हो गए थे, दादा मर गए थे, उसके पास इनकार का हक अभी भी था, मगर दादा के किए गए रिश्तों को तोड़ चढ़ाने का फरीजा उसके सर था। हेलो, उसने कॉल अटेंड की थी, तुम आ रही हो या नहीं, जोईशा ने वार्निंग वाले लहजे में पूछा था। तुम जानती हो जोईशा मेरी मायू है, मैं कैसे, उसने निचला लब दांतों तले दबा काटते कहा था। मैं कुछ नहीं जानती, 1.5 घंटे तक ड्राइवर को भेज रही हूँ, वैसे भी तब तक तुम्हारी रस्म ख़त्म हो जाएगी, आंटी से मैं पूछ चुकी हूँ, उसने ठोस लहजे में कहा था। मैं वहाँ आकर क्या करूँगी जोईशा, वैसे भी इंसानों के दरमियान खड़े होते तुम्हें डर लगता है, कमरे में बंद रखोगी मुझे भी अपने साथ, मंतहा ने आखिरी कोशिश की थी इनकार की। अच्छा है, कुछ पल और मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे भी शादी के बाद कहाँ मिलना होगा, बस जल्दी से आ जाओ, आई एम वेटिंग, जोईशा ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। आधा बेवकूफ़ है ये पागल दोस्त मेरी, मंतहा उसका चेहरा आंखों के सामने लाते मुस्कुराई थी और फिर रस्म के लिए बाहर चली गई थी। सीन चेंज, इस ठरकी को भी कॉल कर देते, बच्चियां ताड़ लेता, सुबह फिर भोकेगा, अरसम ने गाड़ी चलाते हुए इहाब से कहा था। ओ बस कर दे, वो साथ होगा तो 3 घंटे से पहले नहीं निकलेंगे हम, इहाब ने हाथ जोड़ते कहा था अरसम को। बड़ी कोई ठरकी रूह है इस खबीस में, अरसम हंसा था। लो जी, थिंक द डेवल एंड डेवल इज हेयर। अरसम के मोबाइल पर अरहाम का नंबर बा तस्वीर जगमगाता देखकर इहाब ने कहा था। अबे क्या कर रहा है, काटा क्यों, इहाब को कॉल काटते देखकर अरसम ने कहा था। 2 घंटे तक इसकी कॉल रिसीव मत करना यार, बंद रहने दो इसे, इहाब ने फ़ोन साइलेंट पर लगाया था। कुत्तो, मुझे निकाल कर कौन सी पार्टी इंजॉय करने जा रहे हो, मनहूस हो, मैं तुम्हारे घर पर हूँ इस वक्त, जल्दी से एड्रेस सेंड कर दो, नहीं तो सवेरा आंटी से मैं पूछ ही लूँगा, इहाब ने उस वक्त अरहाम का आया मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ते अरसम को सुनाया था। फुप्पो को मैसेज करके उसे एड्रेस ना बताएं, तड़पने दें इसको, उसकी रूह फड़कती रहेगी, अरसम ने कहका लगाते कहा था। 5 मिनट के ड्राइव के बाद वो पार्टी के एड्रेस पर मौजूद थे। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मिस्टर हाइसिम वलीद खान। इहाब ने उसके हाथ में फूलों के बुके देते कहा था। थैंक यू इहाब रंधावा साहब, आपकी मामा यानी सवेरा रंधावा की तबीयत कैसी है? हाइसिम
ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कहा था, मामा बेहतर हैं आप। और अरसम सुल्तान चौधरी इहाब ने साथ खड़े अरसम की तरफ इशारा किया था, हेलो, उनको कौन नहीं जानता, दी हॉकिंग स्टार, माशाल्लाह, कैसे हैं आप। अरसम ने हाथ मिलाते कहा था, फाइन एंड विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। अरसम ने हाथ मिलाते कहा था, थैंक यू, आप इंजॉय करें, मैं आता हूँ अभी, एक्सक्यूज़ मी, हाइसिम ने मुस्कराते हुए कहा था और दूसरी जानिब चल दिया था जहाँ से उसे उसकी आवाज़ उसकी दादी ने इशारा किया था किसी को उससे मिलवाने का। पर्सनैलिटी है वैसे बंदे की, अरेंजमेंट भी काफ़ी यूनिक हैं। इहाब ने सादगी से सजे इस बर्थडे थीम को देखते सराहते हुए कहा था, इट्स नाइस। अरसम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते हुए कहा था जब अचानक नज़र ऊपर बने विंडो ग्लास के पार गई थी। लाइट पर्पल आंचल लहराया था, लंबे बाल कमर पर गिरे लहरा रहे थे, हवा से बाल उड़े थे। पतली कमर ने उसकी बसीरत को अपनी तरफ खींचा था, चेहरे देखने की ख्वाहिश जागी थी आंखों पर, पलक झपकने से भी इनकारी हुई थी। मबहूत हुआ चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था कि विंडो ग्लास से लगा वजूद आगे हुआ था, अब बस वहाँ उसका पर्पल आंचल लहरा रहा था और चंद तितलियाँ जगमगा रही थी। वाओ यार, व्हाट अ व्यू, आई श्योरली से ये रूम देखने के काबिल होगा, दूर से ही फैसिनेटिंग लग रहा है, यह आपने उसकी नज़रों के ताकब में देखते कहा था। और तुझे पता है मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अरसम ने आंख विंक की थी इहाब को और आगे पीछे एक दूसरे के अंदर की तरफ चल दिए थे। जोशी कहाँ हो तुम, वो जो रस्म ख़त्म होने के बाद उसके पीछे गए ड्राइवर के साथ अंदर दाखिल हो रही थी, फ़ोन करके उसे पूछना मुनासिब समझा था, वरना इतनी बड़ी हवेली में घूमती रहती, बैकयार्ड की तरफ हूँ, आजा, जोयशा ने कहा था। बैकयार्ड एक तो इस लड़की समझ नहीं आती, अजीब खलाई रूह है इसमें भी, वो सफ़ेद रंग पर गुस्सा जमाए गुस्से से लाल होती, नाजुक हाथों से अपने माइयों का भारी भरकम शरारा संभाले आगे बढ़ रही थी कि किसी जकी रूह से बुरी तरह से टकराई थी। उससे पहले कि ज़मीन बोस होती, किसी के जानलेवा लम्स से उसकी कमर पर गिरफ्त बढ़ाई थी और उसे अपनी बाहों में समाया था, गिरने से बचाया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।